देखिए, पिछले साल दिसंबर में गुजरात बीजेपी ने एक रिपोर्ट दी थी केंद्रीय नेतृत्व को, और उसमें कहा गया था कि विजय रूपाणी के नेतृत्व में अगर विधानसभा चुनाव हुए तो पार्टी के प्रदर्शन पर बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। और इसी के बाद ये तय कर लिया था केंद्रीय नेतृत्व ने कि विजय रूपाणी को अब हटाना होगा, और तभी विजय रूपाणी को ये बता दिया गया था कि 5 साल पूरे होने के बाद पार्टी आपके बने रहने पर फैसला लेगी। और पिछले महीने 7 अगस्त को उनके 5 साल पूरे हुए हैं और आज उनका इस्तीफा हो गया है। तो अभी आपसे कुछ देर पहले उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल को अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है। फिलहाल अभी बीजेपी के गांधीनगर में जो मुख्यालय है, कमलम जिसका नाम है, वहां पर बैठक चल रही है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, संगठन महामंत्री वीएल संतोष और भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं और गुजरात के प्रभारी भी हैं, वो शामिल हैं। तमाम विधायकों को गुजरात के कल दोपहर 11 बजे तक गांधीनगर पहुंचने के लिए कह दिया गया है। संभवतया कल ही विधायक दल की बैठक होगी और नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। मनसुख भाई मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, नितिन पटेल के अलावा मैं आपको बता दूं कि सीआर पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे। ये बताइए विकास के, अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे और इसका औपचारिक ऐलान जो है वो कब तक आ सकता है? देखिए, विधायक दल की बैठक संभवतया कल होगी और विधायक दल की बैठक में ही मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की तरफ से नए विधायक दल के नेता का नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा और उसका समर्थन कर दिया जाएगा। माना यह जा रहा है कि विधायक दल की बैठक के बाद ही नए मुख्यमंत्री के नाम का पता चलेगा, लेकिन जो नाम अभी तक रेस में सबसे आगे है उसमें पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख भाई मांडविया के अलावा सीआर पाटिल, प्रफुल्ल पटेल और नितिन पटेल, ये 4-5 नाम है जो कि देश में सबसे आगे हैं और इन्हीं में से किसी के नाम पर मुहर विधायक दल की बैठक में लगी। जी शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। हमने कथा बोलछिलाम आमादेर प्रतिनिधि विकास भदौरियार संगे, हठात इस्तफा दिलें आजके गुजरातेर मुख्यमंत्री पद थेके विजय रूपाणी। सेई इस्तफार कथा बोलते गिये राज्यपालेर संगे देखा करार पर सेई इस्तफा पत्र तिनि जमा दियेछेन राज्यपाल आचार्य देवव्रतेर काछे एबं तारपर सांबादिकदेर मुखोमुखि हये कि बोललेन विजय रूपाणी, देखुन। मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। संगठन एवं विचारधारा आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जवाब जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा।